नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज ज़रा बात हम भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की एल्बम गानों की ओर करेंगे। जिस तरह से लगातार गाने आ रहे हैं, दो सुपरस्टारों की चर्चा भोजपुरी में आए दिन होती है, एक तरफ खेसारी जी, एक तरफ पवन जी। और आज इन्हीं दोनों के गानों का क्या मार्केट वैल्यू है, और किस तरह से आज एक सुपरस्टार दूसरे पे भारी है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन थोड़ा गड़बड़ा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आज पूरी तरह से रखने की कोशिश करता हूँ। दरअसल अगर बात कर ले तो खेसारी लाल यादव जी के जिस तरह से पिछले 2 महीने से गाने आने के सिलसिले बंद हैं, उस तरह से उनको नुकसान तो पहुँचा ही है, कंपनियों को भी नुकसान पहुँचा है, और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान पहुँची है। क्योंकि आए दिन भोजपुरी के 3 से 4 या फिर अमूमन 5 गाने जो ऐसे रहते थे जो ट्रेंडिंग सेक्शन में रहती थी, कंपनियों को फायदे होते थे, रेवेन्यू अच्छा खासा बनता था। दूसरी तरफ बात कर ले तो पवन जी के भी जो गाने हैं वो भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एग्रीमेंट में फंसने के बाद से अगर खेसारी लाल जी के गाने आने बंद हैं, इक्के दुक्के ही गाने आ रहे हैं, तो फिल्में की हो या फिर हाल ही में रिलीज कल उनका जो ऑफिशियल चैनल से गाना था उसे कह लें। तो दूसरी तरफ अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह इस दरमियान लगातार उनके जो गाने हैं वो आ रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो कंपनियों को हो रहा है। अब जरा आप सोचने वाली बात करेंगे आखिर नुकसान कैसे हो रहा है, तो अगर जो डाले तो देखें कि जिस तरह खेसारी लाल जी के लगातार गाने आते थे, कई गाने हिट्स भी होते थे, कई गाने फ्लॉप होते थे, जो कहने में थोड़ा भी संकोच न किया जाए तो ज़्यादा सही है। दूसरी तरफ पवन जी के गाने बहुत कम आते थे, अमूलन कम आते थे, महीने में 2 या 3 गाने आते थे ऐसे प्रॉपर, जो एक समय था गानों को मिलता था, और गाने अमूलन 50 मिलियन या 100 मिलियन कलम में जाती थी, और पावर स्टार का दबदबा पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के बाहर भी देखा जाता था। लेकिन दूसरी तरफ एग्रीमेंट में फंसने के बाद खेसारी लाल जी, यानी कि जिस तरह से उनकी एग्रीमेंट की जो चर्चा है अभी तक फ़िलहाल सुलझे नहीं है बातें, उसके बाद से पवन जी के गाने आने लगातार जारी हैं, और इस दरमियान कई ऐसे गाने रहे हैं जो उस तरह से हिट नहीं हो पाए। गाने सारे अच्छे हैं, गाने सारे बज रहे हैं, लेकिन 100 मिलियन क्लब जो एक ही महीने में या फिर 30 डेज़, 45 डेज़ या 40 डेज़ के अंदर में जो पवन सिंह जी के गाने जो उस क्लब में शामिल हो जाती थी, वो फ़िलहाल उसकी रेशियो डाउन हुई है। यानी कि कह सकते हैं कि खेसारी लाल जी नुकसान तो है ही, साथ ही साथ पवन जी के गाने आने के बाद भी कंपनियों को नुकसान हो रही है, क्योंकि लगातार गाने छूट रहे हैं, और लगातार गाने आने के बाद से हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान जो है इंडस्ट्रीज़ को हो रहा है। पवन जी अमूमन इस तरह से गाने रिलीज़ नहीं करते थे, इक्के दुक्के ही गाने, महीने में 2 या 3 गाने से ज़्यादा उनके गाने कभी रिलीज़ नहीं होते थे, और उससे फ़ायदा कंपनी को होती थी। लेकिन जैसे ही पवन जी के गाने आने ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हुए हैं, कंपनियों को कह सकते हैं फ़ायदे हुए हैं, बिजनेस बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यू का एक अच्छा खासा जो एक कह सकते हैं नज़रिया रहता था इंडस्ट्रीज़ को, वो कहीं ना कहीं कम पड़ी है। और खेसारी जी के फ़िलहाल गाने आने नहीं शुरू हुए हैं, तो दूसरी तरफ पवन जी के लगातार गाने आ रहे हैं। ऐसे में उन गानों की जो एक लंबी कह सकते हैं व्यू की लिस्ट है वो फ़िलहाल कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहा है, और ऐसे में पवन जी भी थोड़ी बहुत अपने जो स्कोर है वह उसमें गिरावट नज़र आ रही है, देखी भी जा रही है, जो चिंता का विषय है कि किस तरह से एक सुपरस्टार लगातार गाने लाते हैं, बड़े हिट्स होते हैं। पवन जी इंडस्ट्रीज़ के वैसे कलाकारों में से हैं जिनके गाने अमूमन बहुत कम, चुनिंदा गाने, लिरिक्स इतने प्यारे कि हर इंडस्ट्रीज़ के लोग उस गाने को सुनना पसंद करते हैं, हर घर में उनके गाने बजते हैं, और साथ ही साथ चाहे वो किसी भी तबके का, किसी भी जनरेशन के लोग क्यों ना हो, वो गाने ज़रूर बजते हैं और गाने सुनते भी हैं। लेकिन लगातार गाने आने के बाद से जो कह सकते हैं बिजनेस है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन व्यू की काउंटिंग में पवन जी पिछड़ते नज़र आ रहे हैं, उस तरह से गाने बिग हिट नहीं हो रहे हैं। खेसारी जी के लिए अभी थोड़ी जो है कह सकते हैं हालात सही नहीं है, स्थितियां थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। उनका गाना जिस तरह से आया बिहार में हुई, और वो गाना बहुत ही प्यारा है, लिरिक्स मुझे काफ़ी अच्छे पसंद आए हैं, और उसके लिरिक्स की तारीफ करनी बनती भी है। तो कल उनके व्यू में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, तो यही जो डिफरेंस है वो काफ़ी मायने रखती है कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वह नज़र आ रही है, और आने वाले समय में क्या होता है, किस तरह से गाने आते हैं, फिल्में आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रीज की ओर झुकाव हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं बॉलीवुड की वो अब आ रही है, इंडस्ट्रीज़ में कदम रख रही है,
तो देखना होगा कि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ कैसे होती है और क्या होता है कि और भी सुपरस्टार आगे बढ़ेंगे, किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में अपना दबदबा बनाएंगे। पवन जी, खेसारी लाल जी ऑलमोस्ट टॉप कलाकारों में शुमार हैं और थोड़ी बहुत रेटिंग जो है वो गिरी है व्यू की गाने नहीं आने से, एक तरफ गाने लगातार आने से। हालांकि स्थिति बेहतर होगी और जल्दी कुछ अपडेट होगा तो हम ज़रूर लाएंगे। नमस्कार।